शिक्षा जगत के सभी समाचार आपको सबसे पहले मिले इसके लिए सब्सक्राइब करें नमस्ते सर यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को ऑल पर जरूर से प्रेस करके रखें। नमस्ते सर, दीक्षा ऐप पर मेंटर टीचर प्रशिक्षण से संबंधित क्विज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे क्विज में पूरे से पूरे मार्क्स मिल सकते हैं, पूरे आंसर आपके कितने सही होते हैं, आप कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। तो जैसे ही सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्विज की बात करें, तो उसका क्वेश्चंस के आंसर बताऊं उससे पहले, आगे भी जितने भी मॉड्यूल होंगे उनके भी आंसर की आपको इसी चैनल पर सबसे पहले मिलेगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। तो पहला प्रश्न है, भौतिक रूप से समन्वय का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर होगा, ऐसे आंगनवाड़ी केंद्र जो विद्यालय परिसर में ही स्थित हैं। इसी तरह अगला प्रश्न है, प्रधानाचार्य द्वारा मेंटर टीचर किसे नियुक्त करना होगा? इसका सही उत्तर है, विद्यालय में नियुक्त कक्षा एक या दो को पढ़ाने वाले किसी भी शिक्षक, प्राथमिकता से महिला शिक्षिका को होगी। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक रूप से समन्वय का क्या अर्थ है? ऐसे आंगनवाड़ी केंद्र जो विद्यालय परिसर से 500 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इसका सही आंसर होगा, अगला प्रश्न चलते हैं, मेंटर टीचर के नाते आप सेक्टर बैठक में कैसे सहयोग करेंगे? तो इसका सही आंसर होगा, बच्चों की प्रगति के संदर्भ में चर्चा करते हुए मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की सेक्टर बैठक करने के लिए अकादमिक तैयारी करने में सहयोग दूंगा या दूंगी। अगला प्रश्न, आंगनवाड़ी केंद्र विद्यालय समन्वय का उद्देश्य क्या है? तो इस उद्देश्य की बात करें तो इसका सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी जो भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं सभी के सभी का सही ऑप्शन है, तो उपरोक्त दिए गए सभी विकल्प सही हैं। इस तरह से आपके प्रथम पांच इंट्रोडक्शन क्विज के पांच प्रश्न पूरे होते हैं, जो 500 प्रश्न का स्कोर पूरा होता है। अब बात करते हैं मॉड्यूल फर्स्ट क्विज की बात, तो उसके अंदर प्रथम क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 से 6 वर्ष तक प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसके लिए सभी ऊपर दिए गए विकल्प सही हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न, प्रारंभिक बाल्यावस्था राष्ट्रीय नीति किस वर्ष लागू की गई थी? तो ये सितंबर 2013 में लागू की गई थी। इसका सही आंसर होगा 2013 है। अगला प्रश्न है, मानव पूंजी तर्क से आप क्या समझते हैं? इसका सही उत्तर होगा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा में निवेश का असर जीवन में अर्जित करने वाली पूंजी पर पड़ता है। साथियों, आपके साथ सबसे पहले मेंटर टीचर प्रशिक्षण की आंसर की शेयर की जा रही है, आगे भी मॉड्यूल सेकंड, थर्ड और फोर्थ शेष बचे हुए मॉड्यूल के आंसर की मिले, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर जरूर से प्रेस कर लें। इसी तरह अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण अवधि क्रिटिकल एज, तो इसका सही आंसर होगा, वह अवधि जिसमें सीखने की ग्रहण शक्ति सबसे अधिक होती है, यह सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा क्यों कहलाती है या कैसे होती है? तो इसका सही आंसर है, बच्चों को खेल के माध्यम से सिखाना चाहिए। और इस तरह से हमारा मॉड्यूल फर्स्ट पूरा होता है, जिसके आंसर पूरे 5 out of 5 मतलब 100% आपका स्कोर होता है। आगे भी आपको अपडेट मिले और किसी भी तरह की दीक्षा ट्रेनिंग से जानकारी पूरी मिले, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दीक्षा ट्रेनिंग से संबंधित कोई भी आपका प्रश्न रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य से लिखें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली मॉड्यूल के साथ जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।